खाने और उठ पाता है पक्षी, हम लोग उड़ नहीं पाते लेकिन वो उठ के उड़ पाता है, और फिर उसे जो दृश्य देख पाता है क्योंकि वो छोड़ पाता है तो फिर वो देख भी पाता है। जो नैरो है उसको छोड़ पाए तभी तो ब्रॉडर विजन देख पाए, ऊपर उठ के देखे तो फिर ब्रॉडर परस्पेक्टिव, द फुलर व्यू, 360 डिग्री व्यू अगर जाना हो, सम पहाड़ के ऊपर चोटी तक पहुंचना पड़ेगा, ऊपर चोटी तक पहुंचना है तो फुटहिल को छोड़ना पड़ेगा। उद्देशी अगर बनना है इस काल पे है उद्देशी, ऊपर वाले बनना है तो नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने कहा था ये सांख्य योग है, लॉजिक वाला है, एनालिटिकल है, एनालिसिस से समझ पाते हैं दोनों को एक साथ नहीं समझ। फुटहिल्स पे भी रहना है और चोटी पे भी पहुंचना है, ऐसा तो गधा भी नहीं कर पाए, है ना। सो इसको अगर शांत ले, समटाइम्स आई से टू माई सन, इफ यू स्लो डाउन यू माइट गेट देयर फास्टर, इफ यू स्लो डाउन टू गेट देयर क्विकर। तो अक्षर शब्दों में बड़ा सामर्थ्य होता है, ये पढ़ते समय अगर हम शांत हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो सारा रहस्य इनमें भरा हुआ है। भगवान की शक्ति, भगवान का सामर्थ्य भगवान के शब्दों में है, भगवान खुद ही कहते हैं, विष्णु पुराण में आता है। ये जो मैंने गीता में जो ज्ञान लूट दिया है, अनायास निकल गया, सहजता से कह दिया, उसमें सारा आ गया जो जानने योग्य है वो। तो शब्दों की ओर ध्यान दे तो छोड़ना पड़ेगा, जिसमें अगर कुछ दूसरा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिसको पकड़ के रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात है विहाय कामान, कामनाओं को पकड़ के रखा है। मुक्ति अगर चाहते और पकड़ के भी रखे तो जो पकड़ा है उसके छोड़ा तो मुक्त हो गया ना। हमने वस्तु को पकड़ के रखा है, वस्तु ने हमको नहीं पकड़ के रखा है। जो हाथ में जो भी पकड़ा हो उसने थोड़ी हमें पकड़ा है, हमने उसको पकड़ के रखा है। हमने नातों को, रिश्तेदारों को पकड़ के रखा, उन्होंने हमको नहीं पकड़ के रखा, इसीलिए दुख का अनुभव होता है। क्योंकि बीच बीच में ध्यान में आता है यार वो तो अपना इतना गिनते नहीं है, उनका इतना ध्यान नहीं है, उन्होंने पकड़ के ही नहीं रखा था, हमने पकड़ के रखा था इसलिए हमें दुख हो रहा। तो उन्हें छोड़े, घृणा न करे, द्वेष न करे, छोड़े मतलब जाने दे, जिधर जाना है जो करना है जैसे करना है, अपने समेट के पकड़ के मत रखे, है ना। उनको छोड़कर प्रेम करके, पकड़कर प्रेम न करे, उनको पकड़कर जो प्रेम करा वो संकीर्ण हुआ, नैरो हुआ, लिमिटेड हुआ, फाइनाइट हुआ, विष रूप हुआ। हमारे लिए भी विष और उन्हीं के लिए भी विष, जो भी कंटेन्ड है वो नाश पाएगा। डिब्बे में बंद कर दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रीजर में भी रख दो, तो किस सालों के बाद वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कंटेन करके रखा। तालाब का पानी उतना फ्रेश नहीं रह पाएगा, कंटेन हो गया, जितना नदिया का पानी रहता है, पकड़ के नहीं रखा नदिया ने पानी को, बहने दे रही तभी वो समुद्र तक पहुंची। तो जो भी नातों को, रिश्तों को, संबंधों को, संपत्ति को, विपत्ति को भी, वायरस की विपत्ति को भी पकड़ के रखा, मन में घर करने दिया, तो फिर दुख ही मिलेगा। जिसे भी पकड़ के रखा अंत में दुख ही मिलेगा। दुख नहीं चाहिए तो भागने दो, निकलने दो, छोड़ो, घृणा न करे। हम न उससे भागे, उसे हमसे भागने दे, वो भागना ही चाहता है बेटा, भागना ही चाहता है हमसे, उसे भागने दे। बेटी भी, सब लोग, शरीर तक, शरीर भी हमसे भागना ही चाहता है, भागने दे, पकड़ के न रखे, तो फिर दुख का वेग कम हो जाएगा। तो ये विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरत निश्चर वाली बात है, जो कामनाओं को पकड़ के रखा है, कामनाओं रूप से पकड़ के रखा है। जो मैंने कहा लोकेशना को पकड़ के रखा है, यार लोग अपने वो डायल कितने देखो जरा कितने, ओ 44 34, अच्छा मेरे लगा ज्यादा डायल करते थे। ये जो पकड़ के रखा हो, कुछ सुन रहे है नहीं सुन रहे, आ रहा है नहीं आ रहा है, कि वो अपना व्हाट्सएप हो रहा है, फेसबुक हो रहा है, जो कुछ भी जैसे भी होगी, लोकेशना का, वित्तेशना का, हर 2 घंटे स्टॉक मार्केट पर देखे, हर दिन ध्यान रखे, अथवा पुत्रेशना का, हमारा मान रहा है या नहीं मान रहा है, इन ऐशनाओं को छोड़, उनसे ऊपर उठे। जब उल्टी करते हैं, खाना खाते बर्फी खाते हैं तो बहुत ज्यादा खाए तो उल्टी कर देते हैं, तो उल्टी को फिर से कहाँ मुड़ के देखते हैं, तो चाटे नहीं, फिर से चाटना चाहिए। अगर बर्फी चाहिए थी तो उसे बर्फी की उल्टी हुई है, नहीं चाटते हो क्योंकि ज्यादा हो गई, उसको छोड़ना पड़ता है, उसको फ्लश कर देते हैं।
नहीं तो उसे उसका विश होगा। जब हम अष्टावक्र गीता की ओर जाएंगे तब पहला ही उपदेश अष्टावक्र मुनि जनक राजा से कहते हैं, वो तो है तो संस्कृत में, हिंदी में भोले बाबा नाम के संत हुए, बड़ा सुंदर काव्य रचा उन्होंने, जो मोक्ष तू है चाहता विष सम विषय त्यज तातरे आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रातरे। सीता माता के पति जनक राजा को किया हुआ उपदेश अष्टावक्र मुनि, उनका आखिरी जन्म था, इसके बाद वो मुक्त हो गए, मुक्त आत्मा हो गए, भगवान के साथ एक हो गए। क्या कहते हैं, जो मोक्ष, मोक्ष अर्थात छुट्टी, फ्रीडम, सल्वेशन, द एक्सपीरियंस ऑफ कंप्लीट फ्रीडम एट ऑल टाइम्स, फ्रीडम फ्रॉम ऑल एक्सटर्नैलिटीज, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई बाहर से कुछ हो तो मजा लगे ऐसा नहीं, मजा कभी कम ही ना हो ऐसा, सजा का कभी अनुभव ही ना हो ऐसी स्थिति अगर चाहता है उसे मोक्ष कहते हैं। जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय त्यज तातरे। बेटा 16 साल का बच्चा कह रहा है 80 साल के बुढ़े को, बेटा ये विषयों को विष समझ के ताज कर, उनका नाम ही विष से ही निकला है, विषय सब्जेक्ट, कौन से विषय, शब्द सुनने का विषय, स्पर्श सुख का विषय, रूप दिए वो देखने का, वेकेशन का विषय, रस खाने पीने का विषय, गंध सूंघने का विषय, इनको विष समझ बेटा कह रहे, तात विष सम विषय त्यज, त्यज त्याग त्याग करे विहाय, क्यों ला रहा इस बात को इधर, कि यहाँ उधर भी वही बात करी, यहाँ पे विहाय की जो बात हुई, विष सम विषय त्यज तातरे, और फिर उसकी जगह भरे क्या हम, वो 6 को छोड़े 5 को छोड़ते, आर्जव क्षमा संतोष शम दाम पी सुधा अमृत, सुधा मतलब अमृत, अमरता का अनुभव हो जाए, अभी यहाँ नकदी रोकड़ माल मिले, अभी अभी छुट्टी मोक्ष की मुक्ति की प्राप्त का अनुभव हो, दिन रात बस उनका सेवन कर, काम क्रोध का सेवन न कर, लोभ मोह मद मत्सर का सेवन न कर, आर्जव का सेवन कर, बड़ा सुंदर शब्द है। वो तो अपने अमित मिस्त्री भाई शायद है कॉल पे, उन्होंने अपने बेटे का नाम आर्जव रखा, आर्जू कहते हैं उसको उर्दू में, जो अर्जी कहते हैं आर्जू कहते हैं, अर्जी है ना हमारी अर्जी है, पर ह्यूमिलिटी अर्नेस्ट बी हम्बल उसे आर्जव कहते हैं, सिंप्लिसिटी प्यूरिटी ह्यूमिलिटी उनको सबको मिला दे तो कहे आर्जव, आर्जव क्षमा बींग फॉरगिविंग लेटिंग गो लेटिंग पीपल बी, संतोष तृप्ति का अनुभव, क्षमा संतोष शम दम, दम मतलब बाहर से संयम इंद्रियों पर, है ना, जो हमारे योग्य नहीं है तो वो बात न सुने न देखे, न सुन बुरा न देख बुरा न बोल बुरा, और शम जो शांत करे, समता में स्थित करे उसे कहे, उस गुण को कहे शम। तो शम का मतलब क्या, पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योग है वो एकदम आसन पे चढ़ जाए, एकदम ध्यान धारणा के पहले अष्टांग योग आता है ना, उसमें भी शाम दम की बात आती है, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि वाली जो बात आती है, उस शम की व्याख्या सबसे सुंदर शास्त्र में वशिष्ठ मुनि ने करी, योग वशिष्ठ रामायण जब हम लाएंगे राम जी के सामने, 84,000 श्रोताओं के सामने कार्यक्रम अयोध्या में, उन्होंने कहा संपूर्ण संसार की वासना का त्याग करके भीतर से सदैव प्रसन्न रहने को शम कहते हैं। लोडेड डेफिनेशन बॉस, संपूर्ण संसार की कामना का त्याग करके, कामना बाहर से है ना, ये देखे वो देखे, ये खाए वो खाए, काम क्रोध लोभ, संपूर्ण संसार की कामना का त्याग करके भीतर से सदैव प्रसन्न रहने को शम कहते हैं श्री राम, वशिष्ठ समझाते हैं। तो आर्जव क्षमा संतोष शम दम पी सुधा दिन रात रे, अगर हम साधक है साधना मार्ग पे है, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम डॉक्टर है कि वकील है कि इंजीनियर है कि बिजनेसमैन है कि अमीर है कि गरीब है, एक फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है, अपने आप कम ना समझना, अगर टैक्सी ड्राइव कर रहे हो तो अपने आप कहीं गलती से ज्यादा मत समझ लेना, बड़ा मकान हो तो फिर गधे के सजा हो जाए हम, इस सपने का बड़ा मकान है
जिसको जो रोल मिला है, जिसको ऐसे अपनी अपनी पूंजी से वो निभा रहा है, इसका कोई बड़े छोटे का मतलब नहीं है। सच्चा वैभव भीतर का वैभव है। ये जो आर्जव, क्षमा, संतोष, शम, दम, ये कितने, इसमें कितनी दृढ़ता है, इसमें कितना धैर्य धारण कर पा रहे, ये कैसा अनुभव पक्का हो रहा है, ये कैसी अखूट असीम शांति स्थित हो रही है, इसकी ओर अब ध्यान दिया। बहुत समय हो गया पैसे कमाने की, बहुत हो गया, बहुत डिग्रियां मिला ली, बड़ा नाम कमा लिया, बड़ी प्रसिद्धि हो गई, बहुत कनेक्शंस हो गए सोशल मीडिया पे, अब थोड़ा उसको विराम दे और विश्राम की ओर चले। विश्राम में भी राम है भैया, जब राम नहीं तो विराम है, स्टॉप, एक्सपायर, एंड। अगर विराम नहीं चाहते, विश्राम चाहते तो राम को लाना पड़ेगा। विराम प्लस राम इज विश्राम, मैंने कहा था शब्दों की ओर ध्यान दे। बिना राम के विश्राम तो केवल विराम हो गया ना, विराम मतलब डेड, एंड, स्टॉप। ये बड़ा बोर हो रहा, अकेला यहाँ पे बैठा हो गया। सेल्फ आइसोलेशन में, सेल्फ क्वारंटीन में बड़ा मजा आता था अगर हम लोग साथ में होते थे तो। विराम में अगर राम को मिला दे तो विश्राम हो जाए, शांति, सुंदर हो जाए जीवन। तो ये बातें भी क्यों लाई, क्योंकि ये भी संगत है, अलाइंड है भगवत गीता के साथ। आई टोल्ड यू आई विल रीड टू यू उद्धव गीता, वी विल गो ओवर उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता, योग वशिष्ठ महारामायण, भागवत, तुलसी रामायण, रामचरितमानस जिसे कहते हैं, टू शो यू टू प्रूव द पॉइंट दैट भगवत गीता इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ ऑल। इतनी छोटी सी चुटकी भर में ये गुटका भर दिया, इतनी सी, इतना बड़ा तमाकू लेते, इतना ऐसा 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 करते करके, फिर इतनी चिमटी लेते, फिर और फिर यहाँ पे रखते 4 घंटे होता है, इतना से तमाकू तेज बना लिया, इतना सारा, कितनी कितना कितने पौधे बढ़ाए, कितने उसके पत्ते काटे, कितना सुखाया, कितनी मेहनत करी इतना सा रखने के लिए। तो ये इतनी सी गीता है, ये बाकी बाकी सब छोड़ सकते हैं ना, ये सिद्ध करने के लिए अलग अलग शास्त्रों का क्या आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बात है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निश्चरः निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। फटाफट जल्दी जल्दी अगर शांति अभी और परमानेंट शांति प्राप्त करनी हो तो 3 बातें करें, निःस्पृह हो, निर्मम हो, निरअहंकारी हो, अहंकार को छोड़े, अपनेपना, बहुत अपने बड़प्पन को छोड़े, ये कहीं गलती ना हो जाए, बुद्धू ना बने कि सोचे अरे ये तो मैंने कर लिया, मैंने कमा लिया, मेरा नाम हो गया, देखो मेरा वो सब लोग हो रहा है अचीव। भगवद गीता में जब 18वें अध्याय में हम चलेंगे, अभी तो समय लगेगा, अभी दूसरे अध्याय में है। एक एक सेशन में 5-5 लोग होते, पता नहीं कौन से जन्म में पहुंचेंगे 18वें अध्याय तक, मोक्ष संन्यासी हो गए, होपफुली उसके पहले ही मोक्ष मिल जाए तो हो जाए। उस समय आता है 14वें श्लोक में 18वें अध्याय के कर्म सिद्धि के विषय में भगवान कहते हैं, कोई भी कार्य जो सिद्ध होता है, Anything that is fulfilled, any achievement that is accomplished, is accomplished through a combination of five factors at all times. Nothing that ever happens in this world, nothing ever that happens in this world, happens without these five. So, and from these five, we are one of the five. जो करता है, कैसे, तो कहते हैं अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 बातें हैं। किसी अलग सत्र में इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। अधिष्ठान अर्थात जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, द मेन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच, जैसे ग्रेविटी है ना, गाड़ी चलेगी इसमें, फिर बड़ा विज्ञान भरा है, ग्रेविटी ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो मोशन भी ना हो पाए, तुम तो लैम्बोर्गिनी लेकर के कोई फायदा नहीं, कहीं जा नहीं पाओगे अगर अधिष्ठान ना हो, ग्रेविटी फ्रिक्शन रूपी जो फंडामेंटल्स बना के रखे है सृष्टि ने, वो ना हो तो ना। कर्ता जो कर रहा है, जो हम है, छाती ठोकते हैं, वो एक है, उसमें भी अगर स्किल्स न हो, टैलेंट्स न हो, उसका फोकस न हो, उसमें डिसिप्लिन न हो, नियंत्रण न हो ना, कमिटमेंट न हो, तो एथिक्स न हो, तो भी कार्य अच्छी तरह से सिद्ध न हो पाए। कारण जो होता है वो उपकरण जो होता है, एपराटस, इंस्ट्रूमेंटेशन, हमारे भाई ट्रांसप्लांट सर्जन इस पर है, लेकिन उनके पास अगर उनके उपकरण न हो, अच्छी तरह से अगर व्यवस्था न हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफेक्टिव हो, तो इतना अच्छा सर्जन भी ठीक से काम न कर पाए, तो स्टिल देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन द करण।
और चेष्टा इज द प्रोसेस, हाउ वेल इट इज एक्सिक्यूटेड, हाउ वेल द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, द हॉस्पिटल सिस्टम हैज टू बी देयर ऑल्सो फॉर द सर्जन टू एक्सेल इन व्हाट ही और शी इज एबल टू अचीव. और दैव, द फिफ्थ वन इज देयर इज स्टिल द अननोन, the past momentum, the acts of God, force majeure, that shows up in the contracts. There is still something, even if the principle is there, the doer, the karta, the performer is perfect, and the instrumentation, the apparatus, the equipment, everything is exact, the process is flawless, phir bhi there could be something else that messes things up. ये पांच फैक्टर होते हैं तब कर्म की सिद्धि होती है. तो हम अपनी छाती बहुत ज्यादा न ठोके, छाती दुखना शुरू हो जाएगा अन्यथा, कि हमने कर लिया, हमने कुछ नहीं कर लिया. और चार लोग थे जो बिहाइंड द सीन विजिबल इनविजिबल थे, उनके उन चार और हम करता मिलके हुआ. तो इफ वी आर ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज एथिकल, ऑलवेज टैलेंटेड, ऑलवेज फोकस्ड, ऑलवेज डिसिप्लिन, ऑलवेज कमिटेड, फ्लॉलेसली एक्सिक्यूटिंग टू द बेस्ट ऑफ आवर अबिलिटीज एवरी सिंगल टाइम इन एवरीथिंग दैट वी डू, व्हिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? बट इफ समवन डज, then that person can perhaps take 20% credit, no more than that, for the success of whatever was achieved. ऐसा तो कोई नहीं भगवान छोड़ के दूसरा. तो 20% भी श्रेय न ले, ये न कहे कि अपने से हो गया, अच्छा गया. 19% तक ले अगर बहुत होगा तो, और फिर 81% किसी दूसरे के कारण हुआ. ये नियम है, 18वें अध्याय में आता है, ऐसी सच्चाई है. तो इसलिए भी का निर अहंकार हो, इसलिए अहंकार न रखे, अपनापन. सो दिस इज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें अहंकार इस, ये पाप कहा, इसको अहंकार को सबसे बड़ा पाप कहा, है ना? ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप का अहंकार. क्यों? क्योंकि इसमें अज्ञान आ गया, इसमें अपने आप को लिमिटेड कर लिया. अहम भावना से जो हम अफाट थे, असीम थे, अमर्याद थे, उसमें अपना अहमपना डालकर, एक समुद्र था, उसने अहम ना डालकर एक मात्र लहर अपने को बना दिया. अपने आप पर कितना बड़ा अन्याय किया. सारा का सारा स्वप्न दृष्टा था, सारी प्रवेश जितनी सब थी उसकी, और अपने आप को स्वप्न पात्र समझ के दुखी सुखी होकर इतना मीनिंगलेस बना दिया. जो आईने में, दर्पण में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो व्यक्ति था, लेकिन अपने आप को दर्पण का रिफ्लेक्शन के सजाने धमाने में करके जो निकृष्ट समझ बना दिया. सो रियल भूल के अनरियल बना दिया, इनफाइनाइट भूल के फाइनाइट बना दिया, परमानेंट को छोड़ दिया, टेम्पररी को अपना लिया, अनलिमिटेड को छोड़ के लिमिटेड पकड़ लिया. अपने शिव स्वरूप को भुला के जीव स्वरूप में हो गया, परमात्मा को भुला दिया, खाली जीवात्मा बन गया. तो ये इससे बड़ा अन्याय और कौन करेगा अपने आप पर, हम पर, जितना अन्याय हमने अपने आप पर किया, कर रहे हैं अपने अज्ञान में, अहंकार के कारण. उससे बड़ा सारा संसार टंग जाए उल्टा, सब मिलके अन्याय करे, अत्याचार करे, तो इतना नहीं कर सकते जितना हमने अपने आप पर कर रहे, अहंकार को पकड़ के. इसलिए शास्त्रों में कहा, ये भी मेरा अपना मसाला नहीं है, कि ये सबसे बड़ा पाप किया जिसने अहंकार किया. तो गधे की तो पूजा करे, इतने हम महा बड़े गधे बन गए. गधा हमसे, गधे को अहंकार कहाँ होता है? कभी देखा है गधे को अहंकार करते हुए? बॉस इतनी ईटे मैंने, ये सारा ये जो मंदिर बना इसको तो मैंने बांधा, ये मेरे परिवार वालों ने बांधा है. गधा कभी ना कहे, जितने घास खिला दे उतना खा ले बेचारा. तो गधे की पूजा करना शुरू करे अगर अहंकार करना हो तो पहले, क्योंकि हम गधे के सरताज, महागधे गधों के बाप बन गए. अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, इस सातवें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में पिछली बार हमने सुना था शायद. अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ मतलब बेवकूफ, अपनी भाषा में कहता, आज की भाषा में अकल नहीं जिसे, विमूढ़ मतलब फर्स्ट क्लास क्वालिटी का, स्पेशल विशेष बेवकूफ. ये भगवान के वचन है, भगवद गीता के है. अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, मैंने किया. फर्स्ट क्लास, हाईएस्ट डिग्री ऑफ गधा भगवान के शब्दों में. तो करता हम नहीं भैया, करता माय वन ऑफ द फाइव. सो इसलिए अगर दुखों से छुट्टी करनी हो और विश्राम पाना हो, शांति की, अशांति से छूटकर, आग से छूटकर शांति में आना हो,
तो अभी अभी प्राप्त है शांति, यहीं पर प्राप्त है। इन बातों को छोड़ा तो, इनको पकड़ा इसलिए अशांति है, जिसको जिसको पकड़ा उसको हम भी छोड़ भी सकते हैं ना। जिस किसी वस्तु को अगर हमने पकड़ा है तो हम छोड़ भी सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। सोचना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। इस बात को हमने अंदर में पकड़ के रखा है तो छोड़ना भी अंदर से पड़ेगा। जिस पानी की बोतल को मैंने बाहर से पकड़ा तो इसको छोड़ना हो तो बाहर से छोड़ना पड़ेगा, तो छूट जाएगी। बोतल ने मेरे को नहीं पकड़ा। जिस बात को मैंने अंदर से पकड़ा हो उसको बाहर से नहीं छोड़ पाऊंगा, अंदर जाना होगा। अंदर जाने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। तो अंदर जाके छोड़े, ज्ञान के प्रकाश में तो अपना छूटा हुआ दिखेगा, अपने आप छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। फिर अपने आप वचन निकलेंगे अर्जुन के, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मया अच्युत। अच्युत, इनफैलिबल, नेवर फेलिंग। The one who never lets me down is Achyut. अंदर जाके जब मैंने देखा तो अच्युत के प्रकाश में, प्रसाद से पता चल गया कि अरे हाँ, जो छुटा हुआ था मैंने पकड़ के रखा था, छोड़ना भी नहीं पड़ा था, छुटा हुआ था खाली, में अपनी समझ नहीं रहा था, समझ नहीं रहा क्योंकि ध्यान नहीं दिया। इस ध्यान शब्द जो, ध्यान नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। सो ठीक है, बहुत हो गया। निर्ममो ममता भी न करे, स्पृहा की तो बात हो गई, अहंकार की बात हो गई, ममता की बात नहीं हुई। आज के सत्र का प्रारंभ भी ममता से हुआ, तुलसी ममता राम से समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, अगर राग न हो द्वेष न करना हो, दुख नहीं चाहिए दोष नहीं चाहिए, और भव पार जाना है तो फिर राम से। दास गए भवपार, सियावर रामचंद्र की जय। तो राम में आराम पाए। तो जो हरे कृष्ण हरे राम नाम का मूवी था शायद, मनोज कुमार ऐसा कुछ, जीना तमान, उसमें वो रणधीर कपूर, आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गो बैक 35 years, व्हाट वाज दैट गीत, देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो, जीत लो मन को पढ़कर गीता, क्यों मन ही हारा तो क्या जीता, फिर क्या जीता, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन नाम है काम का आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। गूगल करके देख लेना, इफ आई एम राइट, आई थिंक हरे कृष्ण हरे राम नाम की मूवी में था वो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए गाया कि क्षमा करे, ताकि आपको याद आ जाए कौन से गाने की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें बड़े सुंदर शब्द थे, राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ दीवानो। यहाँ पे अभी बात चल रही थी ना, तस्याम जागरति संयमी, जीत लो मन को, अभी संयम की बात चल रही थी, इंद्रिय संयम की, जीत लो मन को पढ़कर गीता। देखो मन ही हारा तो क्या जीता, जगत जीत बन गए, स्टॉक्स जीत गए, अपनी वो अपनी कंपनी बना ली, उसको स्पिन ऑफ कर दिया, फिर से दूसरी बनाई, फिर से स्पिन ऑफ कर दिया, फिर से तीसरी बनाई, फिर से स्पिन ऑफ कर दिया, क्या जीता, मन को न जीता तो। और जिसने मन को जीता, बहादुर, भगवदगीता में बड़ा धुरंधर शब्द कहा है, उसको जगत जीत कहा है भगवदगीता में। जिसने जो स्पृहा रहित होकर, अभी छठे पांचवें अध्याय में आएगा जब, तब उस पर जाते, मन ही हारा तो क्या जीता, जीवन नाम है काम का आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तीसरे अध्याय में कर्म योग में आएगा। भगवान ने कहा कर्म फल की अपेक्षा नहीं, इसलिए कर्म ही करना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा द मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक ऑफ द गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो फल की आशा नहीं करते तो कर्म करना ही क्यों, लोग कहते कर्म ही नहीं करना, फल ही नहीं है तो। माँ कर्म फल हेतु भूर भगवान के, कर्म फल का हेतु तो मत बन, लेकिन माते संगोस्त अकर्मणी, अकर्मणी पद भी ना हो,
You must remain dutiful if you care to become beautiful. Only the one who is dutiful can truly be the one who is beautiful. तो इधर वापस आए, अपने आज खत्म करना है दूसरा अध्याय. नहीं तो पिछले नेक्स्ट टाइम कोई डायल नहीं करेगा आपने. वो मैं इधर देख रहा हूँ स्क्रीन में, अपने आप खोपड़ी को देख रहा हूँ, उधर देख के बातें करनी पड़ेगी. ऐसा न हो इसलिए शायद आगे बढ़ना पड़ेगा. तो निर्मम कैसे हो? ज्ञान के प्रकाश में हो. तो दूसरा कोई है नहीं तो मेरा कैसा है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई. अगर लहर को पता चल जाए कि सारी लहरों में या तो मैं ही हूं जल रूप से, अथवा समुद्र ही है जल रूप से. जल रूप से हर लहर, थाउजेंड थाउजेंड्स, टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेव्स, इंक्लूडिंग मी एंड द फोर अराउंड मी और द थ्री अराउंड मी दैट आई कॉल माय फैमिली एंड द फ्यू दैट हैव गॉन बिफोर मी एंड वर क्रैश्ड, माय पेरेंट्स और माय ग्रैंडपेरेंट्स, व्होमेवर. Or those few behind that will be formed from the ones that are around me, my children, my grandchildren. In every single wave, in the form of the water, I alone exist. But so do I in all the thousands that are all the way around me, across the horizon that I cannot even see. The millions of waves, no one else other than me exists in the same. ज्ञान रूप से अगर देखना, ज्ञान के चश्मे से, तो भक्ति हृदय अगर हो, संवेदनशील हो, जीवंत पुरुष हो, तो फिर भक्ति प्रेम के दृष्टि से देखे, भगवान ही सब में है. समुद्र ही, इस लहर में भी भगवान है और इन सारे लहरों में भी भगवान ही है. तू ही तू प्रभु, तू ही तू. तो फिर ममता किससे करे? मेरा तो कोई तभी हो जब कोई दूसरा भी हो. गड़बड़ उसी से हुई ना गीता में, मामा का पांडवाश्चैव किम कुरुत पांडव, पहला अध्याय, राइट, पहला श्लोक. मेरे वाले और तेरे वाले, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया. इससे कौन बच पाए? तो ये इसमें ममता छोड़ने के लिए कहा. ममता तभी छूटे जब समता सब में आ जाए. एवरी वन इज एवर द सेम, ऑल द सेम. इस सारे ज्ञान के कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं. तुलसीदास जी कहते हैं इस ब्रह्म ज्ञान के बिना बड़ा मुश्किल है, कठिन है दुखों से छुटना. सो वी विल गो पास्ट द निर्ममो निरहंकारस्य शान्तिम अधिगच्छति एंड वी विल टेक द लास्ट श्लोक ऑफ टुडे एंड देन वी विल ट्राई टू स्टॉप. विराम का प्रयास करेंगे, राम का नाम लेकर. एषा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाम अंत्यकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति मृच्छति. हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है. ये हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूं. इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है. I'll let you process this while I drink water. एशाम, such is, this is Brahmi sthiti, Brahma bhavana, Brahma chetana, unity consciousness, the experience of oneness. That's what Brahma is, the greatest. Brahma means the biggest. Jaise guru means big. How big? Very big. Brahma means the biggest. How big? So big that it exists everywhere. There is no place without him. It. Omniscient, omnipotent, and omnipresent. Brahma means omnipresent. Present everywhere at the same time. Agar sab jagah, sab samay hai, toh phir mujhme bhi hai. Right? If it is omnipresent, then why wouldn't it be present in me? सब जगह अगर है तो यहां पे अभी बैठा है और उधर भी बैठा है. सब समय है तो इस समय भी है. वो तीन घंटा पीछे है, दो वो अभिजीत है, तीन घंटे पीछे है रेणुका. लेकिन समय कुछ भी, टाइमलाइन कुछ भी हो, लेकिन सब समय अगर भगवान है तो इस समय इधर भी है और उधर भी है, और सब में है तो मुझमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है. तो ये हुआ, ये हुई ब्रह्म भावना. मुझमें भी ब्रह्म है, तुम्हें भी, अर्थात ब्रह्म ही है. इस लहर में पानी है तो उस लहर में भी, और उस लहर में भी, और उस लहर में भी, और हर जब तक समुद्र था,
जब से बना जब तक रहेगा तब से तब तक हर एक लहर में वो समुद्र मात्र ही था ब्रह्म रूप में। जब जब जिसने भी पहला सपना देखा और जो मरने से पहले जब वो आखिरी आदमी होगा सपना देखेगा, सारे सपनों में जो सपना देखने वाला है वही था स्वप्न पत्रों में। यह है ब्रह्म भावना। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्रथा पुत्र धरती पुत्र अर्जुन कुंती पुत्र। पृथ्वी राजा ने जिसका दोहन किया था उस ग्रह का नाम पृथ्वी पड़ा। भागवत में कथा आती है पृथ्वी से जो उत्पन्न हुआ उसे पार्थ कहते हैं। तो हम पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुए, पृथ्वी पर ही अभी बैठे हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी के पुत्र पृथ्वी को माता कहते हैं, मदर अर्थ धरती माता। ये हमारे लिए बात कही हुई है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम न एनाम प्राप्त विमुह्यते। एक बार अगर ये अनुभव हो जाए, एक बार ये बात अगर पक्की पता खोपड़ी में बैठ जाए, पक्की हो जाए, समझ जाए, तो फिर मोह को प्राप्त होना असंभव है। फिर ये मेरे तेरे की एक ही दुखी की ऐसी वैसी बातें फिर फिसला नहीं पाएगी। इसलिए ये साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है और भगवद गीता श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ साधन है। एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां पापाय विमुह्यति स्थित्वा स्याम इसमें स्थित होकर स्थिति वाम अस्याम इसमें स्थित होकर अंत काले अपि अंतिम सांस तब आखिरी क्षण तक ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्रह्म निर्वाण पद की ब्रह्म को लेकर बाकी सब छूट जाए निर्वाण पद। बुद्ध धर्म में निर्वाण पद कहते हैं ना, सब छूट गया बाकी निर्वाण। अंग्रेजी में कहते हैं निर्वाण को प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद हुआ, एक्सटेसी, ब्लिसफुल प्लेस। व्हाई? बिकॉज़ निर्वाण प्राप्त, निर्वाण में विशेष उसमें क्या बड़ापन है, बाकी सब छूट गया, केवल एक्सटेसी रह गई, केवल ब्लिस रह गया, एफर्टलेस जॉय रह गया, बाकी सब छूट गया, नो एफर्ट्स, इसे निर्वाण पद का। लेकिन सब छूट गया उसके बाद प्राप्त हुआ, सब छोड़ना पड़ा, जब तक सब नहीं छोड़ा तब तक ये नहीं प्राप्त हुआ, जब तक बाहर का नहीं छोड़ा तब तक भीतर का नहीं प्राप्त हुआ, जब भीतर का प्राप्त हुआ तो भीतर का बाहर का सब अनुभव प्राप्त हुआ, क्योंकि बाहर का भी अनुभव जो हो रहा है वो भीतर ही हो रहा है। और लड्डू बाहर है, जब तक अंदर नहीं जाए तब तक अनुभव नहीं, आनंद का अनुभव नहीं है भैया। बिल्कुल बड़ी सिंपल सी बात है, समझ ली। कोई भी बाहर का सुख हो, अंदर जब तक ना जाए तब तक असंभव है आनंद की। तो इतनी अच्छी अच्छी सिंपल सिंपल बातें अपना लो ना, पक्का करो। लड्डू अगर पेड़े भी बाहर रखे, दही पेड़े रखे, लड्डू रखा, जो भी अच्छा लगता हो बाहर रखे तो उल्टा हो गया, दुख हुआ, कब तक मिलेगा कब तक नहीं उसका दुख। अंदर गया तब स्पर्श सुख, रूप जब आंखें खोलकर देखी उसका विचार जब किया, खाली देखते रहे ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखते रहे तो उसमें कुछ नहीं हुआ ना। जो लोग देखते जिनका ध्यान नहीं रहता, जो देख रहे उसकी ओर, देख तो एक जगह रहे लेकिन सोच रहे कुछ दूसरा ही, तो उन्हें आनंद नहीं होता। आनंद तभी होता है जब हम जो देख रहे हैं उस पर विचार जब कर रहे हैं, ध्यान दे रहे, अंदर जब विचार हो रहा है। रस की भी वही व्यवस्था। लोग कहते टीवी देख करके खाना खा रहे, इतना पंच पकवान बनाया कुछ, लेकिन उसका कुछ किसी को ध्यान ही नहीं आनंद की। माइंडफुल ईटिंग अगर न हो, क्योंकि शो चल रहा है इधर उधर के देख कर रहे, अगर उसकी ओर ध्यान दे करके उसका रस ग्रहण नहीं कर रहा है तो खाने पीने का भी अन्न का भी स्वाद नहीं हो रहा है ना। सो अनुभव जो है वो अंदर ही होता है, और अंदर अनुभव ऑलरेडी है, उसको बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बाहर की वस्तु का अनुभव जब होता है तो खाली याद मात्र होती है आनंद के अनुभव की। लड्डू जाके कौन सा मसाला बनाता है, कौन सा और थोड़ा स्टर करके कुछ आनंद को उछालता है, कुछ नहीं करता ना। याद आती है यार आनंद नाम की कोई वस्तु है मेरे में, मैं वही हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। ब्राह्मी स्थिति जो है सत्य चित आनंद, मैं सत्य हूँ, हमेशा रहता हूँ, इम्पेरिशेबल, एवर एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं आत्मा रूप से आत्मा हूँ। आई ऑलवेज वॉज एम स्टिल एंड ऑलवेज विल बी, चेतन हूँ, अवेयर हूँ, कॉन्शियस हूँ, समझ सकता हूँ बात को, समझता हूँ, चैतन्य हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। सो अंदर जाए एफिशिएंसी के लिए, क्लैरिटी के लिए, फियरलेस बनना हो तो भीतर जाए, तो अनुभव तो ऑलरेडी है वहां पे,
फिर बाहर से मिले तो बहुत अच्छा है, न मिले तो भी उतना ही अच्छा है. दैट्स व्हाट आई से, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नॉट नीडेड, नो डिपेंडेंसी. सो ये ऐशा ब्राह्म स्थिति पार्थ नयनम पाप प्राप्त विमोहयते, फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा, फिर ये इच्छा नहीं करेगा कि यार मेरा मेरा ऐसा हो जाए, उनका हो ना हो, ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं, मेरा अपना अलग कुछ लगेगा नहीं. इसमें स्थित होकर, एंकर्ड ग्राउंडेड इन इट, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, फिर निर्वाण पद का अनुभव, निर्वाण चेतसा, निर्विण्ण चेतसा. छठे अध्याय में 1/4 श्लोक है, वेरी ब्यूटिफुल तेजस्वी श्लोक. निर्विण्ण चेतसा, सारी की सारी चेतना मात्र, द एंटायर कॉन्शियस बीइंग इनसाइड, कॉन्शियस ब्रह्म चेतना, द एंटायर अवेयरनेस ऑफ दैट पर्सन, देन ऑफ द ध्यान योगी बिकम्स निर्वाण पद को प्राप्त, निर्विण्ण हो जाती, सबसे छुटा हुआ केवल आनंद में स्थित. That is our destiny. That is meant for us. That is why we came here. That is what we have to achieve. Aur ye kya? So I will leave you there. We should properly formally conclude this chapter. Har adhyay ke baad mein aapko yaad hoga Om Tat Sat Iti. Shrimad Bhagavad Gita Su, Upanishad Su, Brahma Vidyayam, Yoga Shastre, Sri Krishna Arjuna Samvade. यहाँ पर सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत. और सब गपशप. तो यहाँ पे क्या है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् है ये शब्द, क्यों अभी जो हमने कहा कंक्लूड करी है ना, अभी जो ओम तत्सत, ओम यही सत्य है, भगवान का जो स्वरूप है वही सत्य है. तत् इज दैट, सत इज फॉरएवर एवरीवेयर. ओम तत् सत इति श्रीमद, श्री इज मांगल्य पवित्र गुडनेस, श्रीमद इज द वन दैट इज फिल्ड विद नथिंग बट गुडनेस, इज व्हाट इज मेंट बाय श्रीमद, ओवरफ्लोइंग विद गुडनेस. भगवद गीता सु, this song, this love song, this is the best love song, this is the one that should be played on Valentine's Day everywhere. Bhagavad Gita su, kyunki ye bhagwan ka geet hai, bhagwan ne gaya hua hai. Sahaj anayas whistling, krishna chale anayas siti bajari, gwala aise hi siti bajate nikal pada yuddh ke maidan par, aur arjun ka sara dukh apne aap shant hua. उसकी मोहिनी मुस्कान और यह सुंदर वचन सुनकर. उपनिषद, उपनिषदों का सार इसमें है, सारे वेदों का सार उपनिषदों में और सारे उपनिषदों का सार भगवद गीता में. ब्रह्म विद्यायाम, अभी जो ब्रह्म विद्या की बात करी, इसमें और कुछ नहीं है, ब्रह्म विद्या है, लिबरेटिंग, रिलिंक्विशिंग, इमैंसिपेटिंग. योग शास्त्र, ये योग का शास्त्र है. दिस इज द साइंस ऑफ यूनाइटिंग विद गॉड, दिस इज द साइंस, अप्लाइड साइंस अथवा टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिटी कॉन्शियसनेस, ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वननेस इन ऑल एट ऑल टाइम्स. दैट इज योग शास्त्र इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और उनके भक्त सखा मित्र शिष्य अर्जुन के बीच का संवाद है. सांख्य योग, अचीविंग दैट स्टेट ऑफ माइंड थ्रू एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट साइंस ऑफ इट. नाम, इस नाम से द्वितीय अध्याय, द सेकंड एपिसोड. श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये सारा ज्ञान हम उसके चरणों में रखकर कह प्रार्थना करते कि हमें इसकी प्राप्ति हो. सो वी वो, सो दिस इज, सो द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड, द गुरु मा सत्संग ग्रुप, द साउथ राइडिंग सत्संग ग्रुप, प्रणाम. योर सेकंड चैप्टर हैज एंडेड, नाउ इट हैज बिकम योर्स. सो अभी ये
गीता प्रेस गोरखपुर का माल न रहने दे, अथवा एकनाथ ईश्वरन की गीता न रहने दे, अथवा जीतू भाई का लंबा बोरिंग लेक्चर न रहने दे, अब ये तुम्हारे घर में पहुंच गए, इधर वो पोर्च में अमेजोन ने डिलीवर किया, ऐसा ये तुम्हारे यहाँ डिलीवर हो गया अभी। नाउ दिस इज योर्स, ओपन इट, मेक इट योर ओन, ग्रहण करे, दिस इज नाउ योर्स। ब्राह्मी स्थिति कठिन नहीं है, संभव है। देखो इतना मेरे जैसे गधे को अगर प्राप्त हो चुका है तो बिल्कुल ही हो सकता है 100%, 1000%, और जब होता है तो पक्का हो जाता है, फिर नहीं छूटता, सहज स्थिति आती है, एफर्टलेस। ऐसी बात नहीं है कि साधन करना पड़ते करने पर करते रहना पड़ता है, अनुष्ठान करते रहने पड़ते हैं, फिर जो होता है सब अपने आप होता है, सहज स्थिति जरूर होगा, अवश्य होगा। उतना ही करने के लिए जीवन दिया है और कुछ नहीं करना है बाकी, तो इसकी ओर थोड़ा ध्यान दे। इसके पश्चात हम जब टर्न आएगा कुछ महीनों बाद तीसरे अध्याय में कर्म योग, तब हम चल पड़ेंगे वंडरफुल अगेन चैप्टर द वन, सम पीपल कॉल इट फॉर देम नॉट फॉर मी नेसेसरली, कर्म योग इज द मेन चैप्टर। इसमें अच्छे अच्छे आत्मनैव संतुष्टो तस्य कार्यम न विद्यते, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। जिसने आत्मा का आस्वादन कर लिया, आत्मा की पहचान कर ली, उसके लिए कोई कार्य नहीं बाकी रहा। कर्म योग में कहा कि कार्य कोई करना नहीं है, नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेन कश्चन कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, वन वंडरफुल। उसके लिए कुछ करने लायक नहीं रहा, कर्मयोग की बात है। कुछ किया तो भी बहुत कुछ किया ऐसा कुछ नहीं, और कुछ नहीं किया तो भी कुछ नहीं किया तो भी नहीं, किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, ऐसी जो जय स्थिति प्राप्त हो जाए, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ, सब हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई फिर भी जो स्थिति से नहीं अपनी गिरे, ये कर्मयोगी। इसके प्रारंभ में, इसका भी प्रारंभ प्रश्न से होगा, अर्जुन पूछेंगे जब हम चलेंगे वहां पर कि यार ये तो तू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। सवा डेढ़ साल का अंतर था भगवान कृष्ण, सवा डेढ़ साल से बड़े थे अर्जुन से, कंधे पे हाथ रख के उसके अराउंड बातें करता था, अरे तुरे वाली अभी तुबे वाली बातें, कहते इतने यू आर कंफ्यूजिंग मी ब्रो। भगवत गीता में यो शब्द कई बार आता है, यो माम पश्यति, तभी वो जोकिंग मत, यो 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 टीनेजर्स ये भी आता है यहाँ पे। सो वो कहेगा कि वेट, यू आर सेइंग कि ध्यान दे, ज्ञान ज्ञान से समझ ले, और इधर जाके कह रहा है युद्ध भी कर, कर्म भी करने के लिए कह रहा है, विच वन इज सुपीरियर, व्हाई आर यू कन्फ्यूजिंग मी, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू डू वर्क इफ नॉलेज इज सुपीरियर, टेल मी विच वन इज बेटर फॉर मी। तो भगवान फिर कहेंगे उसके उत्तर में तीसरा अध्याय, कह रहे दो प्रकार से अनुभव हो सकता है, ये जो सारी बातें, जो अभी इतनी सारी जो बातें हुई, इसका अनुभव, सारी महत्ता, सारा बड़प्पन, the whole point of it is in experiencing it, and not in hearing this, not in reading it, it's in experiencing. Experience is personal, experience is intimate, right? Your experience is your unique, personal, intimate, alone experience. And the way to experience God is when God or Brahma or unity consciousness, whatever, however you want to think of it, I think of him as Krishna, when he, it, that, she, her, they, however, will become your personal, intimate, alone experience. That experience, God says in the answer to the question in the third chapter for Arjun, you can go two ways. ज्ञान मार्ग से जा सकते अथवा कर्म मार्ग से जा सकते। ज्ञान मार्ग से जाते वो सांख्य योगी होते हैं, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से। कर्म योग से जो जाते वो कर्म योगी होते हैं। तस्माद योगी भवार्जुन, छठे अध्याय में फिर कहेंगे, लेकिन आई प्रिस्क्राइब फॉर यू द पाथ ऑफ कर्म योग अर्जुन, दिस इज व्हाट गॉड विल से, बिकॉज देयर इज, 12वें अध्याय में आगे कहेंगे, इट इज वेरी हार्ड टू बिकम एंड रिमेन ए ज्ञान योगी, it's almost become almost impossible to permanently stay fixated in gyan swabhav se hi. So achhi achhi baatein, badi badi baatein, dhurandhar, wonderful, ek se ek dhuandhar baatein aage hai tisre adhyay se lekar, lekin usme jo abhi maine shlok kaha, could just to give you some sample or samples teasers. So costco mein jaate to hai na galli mein, idhar se thoda sa cheez khake dekho, nachos chakke dekho, ye thoda wo kya kombucha madhi us, ये देखो कहां से बला आ गई,
ऐसे थोड़े थोड़े आपके सामने सैंपल्स रख रहा हूँ, वंडरफुल, अच्छे है, कुछ तो ले लो मेरे बाप, किसी को तो घर ले जाओ, मुफ्त में लो। तो दैट्स वेयर वी विल गो नेक्स्ट इन अ फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट टाइम वी विल मोस्ट लाइकली ब्रिंग आउट योग वशिष्ठ महारामायण, देन यू विल गो इन टू मोस्ट लाइकली अष्टावक्र संहिता, एंड देन परहैप्स रामचरित मानस, मे बी उद्धव गीता। यू कैन ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन, I guess we could start a chat here too. By the way, you can also chat on this and all that. Yeah, to fir WhatsApp group pe bata sakte hai, which one would you, maybe we can create a survey ki pehla kaun sa karna hai, Ramayan karna hai, kaise hai. Anyway, okay. So, and then after that, jab Bhagavad Gita ki turn aegi, then we will start in the 8th chapter first, because that's where the Gainesville group is. And then when the next turn comes, we'll come back in the 3rd chapter. Hopefully by that time, the virus is gone and maybe we can resume our live sessions. So that's the plan. We should pause here. I'm going to stop here. We'll do a few minutes of dhyan. It's 4:53, maybe 6 minutes of dhyan. And then I will stop recording. And then we will do go to the best part of it. When you get to speak and I shut up. Okay. Chalo. Okay, bun. एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनं प्राप्य विमुह्यति। हे प्रिय अर्जुन, ऐसी ब्राह्मी स्थिति होती है एक बार जो इसे पाले, मरो मरो सब कहे मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरो फिर मरना न होए। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नहीं। मेरे राम की ऐसी कृपा, संत तुलसीदास जी कहते हैं, जग में संसार में तो इस प्रकार रहे जैसे मुख में जिह्वा रहती है अपनी जान बचाकर, 32 दैत्यों के बीच दात दैत्य 32 दैत्यों के बीच कोमल मुलायम जिह्वा जिस प्रकार रहती है मुख में, ऐसे हमारे और आत्मा का हनन करने वाले, मोह में खींच लेने वाले दैत्य, काम रूपी दैत्य, क्रोध रूपी दैत्य, मोह रूपी महादैत्य, मान बदला ईर्ष्या घृणा नकारात्मकता चिंता दुख पीड़ा यातना मद अहंकार बड़प्पन मत्सर अज्ञान, ऐसे ऐसे दैत्यों के रूप बीच मेरी सूक्ष्म आत्मा, मेरी हल्की सी जीवन ज्योत शाबत रखे सावधान हो, जिस प्रकार उस प्रभु ने जिह्वा को प्रोग्राम करके रखा, जन्म से मरते दम तक अपनी जान बचाकर रखी, अपना कर्म तो किया, अपनी जान न गवाई,
जो जीभ पर रख दिया उस प्यारी ने तुरंत पहुंचा दिया, अपने आप के पास नहीं पकड़ के रखा। जो भी मिला अपने आप के नजदीक रखे तो मुसीबत हो जाए, भूखा प्यासा मर जाए, जीव तड़प उठे। जन्म से लेकर दूध की पहली बूंद से आज तक अपने पास मेरी जिह्वा रूपी बहना ने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो आया तुरंत पहुंचा दिया, छोड़ दिया, अपना काम कर दिया। सावधान रही, संयमित रही, दैत्यों के पीछे नहीं पड़ी। शरणागत रही, अलाइंड रही, जिस प्रकार जैसे बनाया था, इंटेग्रिटी रखी, स्टेइंग इंटैक्ट विद द ओरिजिनल डिजाइन, नेवर फॉरगेटिंग द पर्पस, बीइंग माइंडफुल, एवर ड्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, और फिर खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नहीं। इतनी इतनी मिठाई मिली, इतने इतने सुंदर स्वादिष्ट रसपूर्ण व्यंजन मिले, संपूर्ण शरीर को दृष्ट पुष्ट सृष्ट रखने का श्रेय कह सकती है कि उसका श्रेय है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द वाटर एंड द फूड। किंतु कभी उस माया जाल में नहीं फंसी, चिकनापन नहीं आने दिया, अपने आप पर ज्यादा माया का प्रभाव न पड़ने दिया। किंतु इंप्रेस भी न हुई, क्योंकि अपना स्वयं का रस है उसे, जिह्वा पर कोई वस्तु ज्यादा देर न टिक पाए, क्योंकि उसे स्वयं का रस है, स्वयं है, रसो वैस है, आत्म रस है, आत्मरति है, जागने में रत है, आत्मन्यवच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जिह्वा पर कुछ रखा तो पहुंचा दिया, न रखा तो बैठ गई, कुछ रखा तो ठीक, न रखा तो ठीक, पीड़ा रखा तो ठीक, कड़वा रखा तो ठीक, जल रखा तो ठीक, जड़ रखा तो ठीक, तस्य कार्यम न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो। अर्थ अर्थात वैल्यू, कुछ करने में कोई मतलब नहीं, न अकृतेन कश्चन, कुछ न करने से कोई लेना देना नहीं। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित्य फिर भी चिकनी नहीं। नेवर इम्प्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल, नेवर अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, फॉर इट इज एवर कनेक्टेड विद द जूस कमिंग फ्रॉम द इनसाइड। भीतर का रस, अंदर का रस, अपने आप के आत्मा का रस, एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा कर्णावरोधम, धर्म धुरंधर आदि शंकराचार्य परम पूज्य कहते हैं, एकांत में वास करे, जो ये सुनहरा अवसर प्राप्त अनायास हुआ
कैसी ईश्वर की कृपा संपूर्ण धरातला को एकांत के का मौका प्राप्त, एकांत वासो लघु भोजन थोड़ा खाए, जितना आवश्यक उतना ग्रहण करे, शब्द से रूप से रस से नेत्रों से कर्णों से मौन में रहे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति मुनि के लिए कहा, या निशा पश्यतो मुने जो मनन करे, रूमिनेट करे, द रिफ्लेक्टिव, द कंटेम्पलेटिव, द वन हु प्रोसेसेस इनसाइड, उस प्रक्रिया को मौन कहा। निराशा, नॉट होपफुल, नॉट होपिंग, नॉट स्टार्विंग फॉर समथिंग, नॉट यर्निंग, नॉट लॉन्गिंग, कर्णावरोधम, पॉजिंग ऑल द सेंसेस, गिविंग द सेंसेस अ ब्रेक फ्रॉम द क्लटर एंड द कैकोफोनी ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड। तो शंकराचार्य जी का उपदेश, एकांत वासो लघु भोजनार्थम मौनम निराशा कर्णावरोधम, जय श्री कृष्ण, लव श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय हनुमान, राम लक्ष्मण तो जानकी, किंतु जय बोलो किसकी, मेरे हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी ओके, जय बोलो हनुमान की, क्यों, राम काज बिन कहूं विश्राम, तो इस राम काज में सहकार्य देने हेतु आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, आभार, फिर से एक बार जय श्री कृष्ण। This is where the fun begins. I have stopped the recording, so we can let it fly. Dhamma dham. For those jinka samay ho gaya, 2 ghante ho gaya, 2 ghante ka session satr tha. Kintu agar mere jaise khali baithe ho, kaam chot, koi dhande nahi, aur Ram kaj ko aage aur karna ho. तो टिके लगे रहे जितना समय दे सकते हैं, किंतु कोई मुसीबत नहीं, अगर जाना आवश्यक हो, जाना चाहते हो, दूसरा कार्य हो, भोजन तैयार हो, वेस्ट कोस्ट पे हो, जो करना चाहे करो करे, आई विल काइंड ऑफ रैंडम, नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज द चैट फंक्शन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कैन वी आस्क क्वेश्चंस हियर नाउ, स्टार्ट पिकिंग फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, एक एक करके अपने अपने विचार व्यक्त करें। So I am going to mute. All right, let's see.